नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पेपर्स भी बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स एसपीआई क्लर्क मेंस, जो आप सभी को मालूम है 31 अक्टूबर को जो एग्जाम्स हुआ था, राइट, उसके रिगार्डिंग्स कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जी के बेस पर, वह क्वेश्चंस अपन डिस्कशंस करेंगे विद आंसर के साथ। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट शिफ्ट, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स दिया है, आपने नहीं देखे हैं क्वेश्चंस के आंसर्स, आपने अभी तक चेक नहीं किए, तो प्लीज़ वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा चैनल्स पे। ओके, और आज के वीडियो में अपन इस वीडियो में पर्टिकुलर सेकंड सब के जीके के क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे विद आंसर के साथ। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन से क्वेश्चंस का आंसर सही है और कौन से क्वेश्चंस का आंसर गलत है, राइट। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, राइट। एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल योर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, ताकि वह भी चेक कर सके। किसी भी तरह का कोई डाउट्स, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट किसी भी शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम्स अगर आपने दिया है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने अटेम्प्टेड विद द कैटेगरी 100% आपकी जो कितने एक्यूरेसी कितनी परसेंट है, राइट, एक्यूरेसी भी बताइएगा, देन कौन सा आपका स्टेट है, राइट, इसके बेसिस पे अपन कट ऑफ बता सकते हैं। बिल्कुल एक्चुअल्स एकदम इतनी ही कट ऑफ रहेगी, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपने अटेम्प्टेड एंड अपने कौन सी कैटेगरी है, कौन सा आपका स्टेट है विद एक्यूरेसी के साथ भी बताइएगा, क्लियर। और कट ऑफ भी वीडियो के अंत में अपन डिस्कशंस करेंगे, क्या कट ऑफ रह सकती है सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग। बाकी आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपने जो भी अटेम्प्टेड है, और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको याद है कि हाँ सर यह भी क्वेश्चंस पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, राइट, उसका भी मैं जरूर आपके सामने वीडियो लाऊंगा। ओके, क्वेश्चंस का जो स्टूडेंट शेयर करेंगे, राइट, उन सभी के क्वेश्चंस का वीडियो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि स्टूडेंट चेक कर सके कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर सही है और कौन सा गलत है। ओके, अब चलते हैं डायरेक्ट सेशंस पे। एंड बिफोर दैट, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल्स मैं आपको बताते चलूँ, जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि IBPS, RRB क्लर्क, PO क्लर्क और PO मीन्स दोनों के, राइट, जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शंस हो जाएगा PO या क्लर्क मेंस में, क्लर्क जो प्री का एग्जाम्स है मेंस के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो माय डियर एस्पिरेंट्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा एसपीए क्लर्क मेंस में एकदम डीप टू क्वेश्चंस पढ़े थे विद स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे वो डीप टू क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा प्री में IBPS RRB में, तो ये 620 क्वेश्चंस का एक PDF मैंने दिया था, राइट, तो इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन इस जो PDF है इनमें से लॉट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे SBA क्लर्क मेंस में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगे प्लीज़ इस पर्टिकुलर PDF को देख लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल ID दे दीजिएगा, मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगा PDF। ओके, एक सेपरेट वीडियो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस, बैंकिंग एग्जाम्स में अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिले हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा, राइट, देखिए आपको दिखाई देता हूँ डायरेक्ट। कल के एक वीडियो में, कल के क्वेश्चंस में माड़ी रेस्पिरेंट्स, यानी कि इट मीन्स जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें क्वेश्चंस देखने को मिला था कि हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्राई, यानी कि TRAI, राइट, ट्राई, राइट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने थे, राइट, तो ये देखिए मैं क्वेश्चंस में आपको करवा चुका हूँ, जिसने ये वीडियो देखा था अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस का सितंबर मंथ का मारी रेस्पिरेंट्स, राइट, ये मैंने यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लिया है, राइट,
सितंबर मंथ का और 5 अक्टूबर को ये मैंने वीडियो अपलोड किया था, राइट। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के सारे वीडियोज एक बार देख लीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स होगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, राइट। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी आपके लगाई थी, ऑप्शंस भी अवेलेबल है। देखिए सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पूछ रहा है, तो प्लीज़ एक बार जाइएगा, और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड बिफोर दैट प्लीज़ क्वेश्चंस कोई भी रहता हो, अगर कोई छूट गया हो क्वेश्चंस, तो टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। पहला क्वेश्चंस पूछा गया था माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चंस पूछा गया, इट मीन्स पहला तो अपन नहीं कह सकते, कोई सा भी हो सकता है, बट यह क्वेश्चंस पूछा गया था, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NIPFP, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, राइट। तो इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, ये जून मंथ का क्वेश्चन है, मैंने करवाया है, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, जून मंथ में ये क्वेश्चंस मैंने करवाया है। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का जून मंथ का वीडियो निकालिएगा मेरे चैनल से, राइट। उसमें पहला ही क्वेश्चंस देखिएगा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको वहां पर बताया था, राइट। तो उर्जित पटेल हैं जो कि आपके NIPFP के चेयरमैन नियुक्त किए गए, जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, जो पॉलिसीज होती है नीतियों के निर्धारण के लिए एक संस्थान है, राइट, उसके चेयरपर्सन बने थे उर्जित पटेल। अगर आपने उर्जित पटेल टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ओके। एक क्वेश्चन था दुधवा टाइगर रिजर्व, यह भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उत्तर प्रदेश का जब भी जिक्र आता है प्रत्येक वीडियो में, मेरा डेली बेसिस पे करंट अफेयर होता है उसमें डिस्कस करता हूँ कि दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट। ड्रीम इलेवन जो COVID-19 से लड़ने के लिए ड्रीम इलेवन गठित की गई, वह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट। रोजगार छतरी योजना, यह भी उत्तर प्रदेश की है, राइट। इस टाइप के मैं रिविजन करता रहता हूँ, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखता है ना उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही अच्छे से वो क्वेश्चंस करके आया होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, बुक बाय करण जौहर, यहाँ भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है, राइट। बुक बाय करण जौहर, बुक बेस पर एक वीडियो अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स सितंबर मंथ का, राइट। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, अब जाइएगा बुक एंड ऑथर्स सितंबर मंथ का क्लिक कीजिएगा, देन उसके बेसिस पे पहला ही वीडियो एंड कि पहला ही क्वेश्चंस यह बुक्स और बुक बाय करण जौहर का पुस्तक का मैंने वहां पर डिस्कस किया है, राइट। अब जाके देखिएगा 100%, नीचे मैंने लिंक भी दे रखे हैं, वहां से आपको मिल जाएगा सब कुछ, क्लियर। तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, राइट, अपने जो सुपुत्र हैं पुत्रों के लिए यह पुस्तक लिखी थी द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इस बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन पूछे थे, दैट इज द संजीव चड्ढा एज अ बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि BOB के प्रेजेंट चेयरपर्सन से, राइट। अब देखिए जो इस क्वेश्चन मैंने आपके सामने शेयर किए हैं ना, इनके मैं कटिंग्स आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 अगस्त को, ये आप देख सकते हैं 5 अगस्त को मैंने अपलोड किया था, इट मीन जून का अपॉइंटमेंट है ये, राइट। 5 अगस्त को मैंने वीडियो अपलोड किया था, पूछा क्या है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस बनाया है। NIPFP के अध्यक्ष के रूप में RBI के निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल यानी कि गवर्नर को आपकी अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन बनाया है, देख लीजिए। सी ऑप्शन यहाँ पर उर्जित पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। ये तो था आपका पहला क्वेश्चन, आई होप अब आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगी कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं, राइट। जिनका भी एग्जाम्स है अपकमिंग, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ जो वीडियो मैं देता हूँ रेगुलर बेसिस पे क्लासेज होती हैं उनको फॉलो करते रहिए, GK जितना आप एवरीडे रीड करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी था आपका, दैट इज द पुस्तक के बेसिस पे,
करण जौहर की पुस्तक देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग्स भी लगा रखी है, द पिक थॉट ऑफ लिटिल लव। ये क्वेश्चंस मैंने शेयर करते समय, डिटेल्स में डिस्कशंस करते समय मैंने वहाँ पर कहा था कि ये क्वेश्चंस जरूर पूछ सकता है एग्जामिनर, राइट। तो आप देख सकते हैं करण जौहर की पुस्तक है द पिक थॉट ऑफ लिटिल लव, ये इसका फ्रंट पेज है, ये इन्होंने ट्वीट किया था, यह भी मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है। जिन्होंने देखा होगा उनको तो अच्छे से याद होगा, बाकी ओवरऑल्स आपके ऊपर डिपेंड है आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ओके, एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछा था दुधवा नेशनल पार्क, तो यहाँ पर देखिए मेरा स्टेट एंड यूटी, नो योर स्टेट एंड यूटी, अभी तक जिसने वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, सभी स्टेट, नो योर स्टेट एंड यूटी, सभी की सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, राइट, उनके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टेट मैंने कवर कर लिए हैं, यूटी भी मैंने कवर कर लिया है, राइट। तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बेसिस पे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा, यहाँ पर मैंने स्टार भी मार्क किया, आप देख लीजिएगा, देखिए स्टार मैंने यहाँ पर लगाया है, ये पूछ सकता है आपको। तो देखिए फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछ ही लिया है क्वेश्चन को, क्लियर कि लग रहा है कि हाँ सर पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चंस, तो प्लीज थम्स अप देते चलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस बनाने में, आप सभी को मालूम है, वीडियो क्रिएट करने में भी। तो प्लीज आपका एक थम्स अप मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका डाउट्स, किसी भी तरह का कोई कमेंट्स करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। आपको मैंने प्रूफ के साथ बता दिया, और भी बहुत सारे थे बट मेरे को जो लगा कि इजीली मैं निकाल सकता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ओके, अटल मिशन ऑफ रेजोनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम इज फॉर, यानी कि जो अमृत स्कीम्स है वह पर्टिकुलर किन के लिए स्कीम है, बेसिकली यह क्वेश्चन था। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आप अमृत में, वह नाम भी पूछ सकता है आपको कि अमृत में यू का नेम बताइए क्या होगा, आर का नेम बताइए क्या होगा, टी का नेम बताइए क्या होगा, राइट। तो एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो नाम भी याद रखिएगा, अटल मिशन फॉर रेजोनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यह स्कीम्स आपकी हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनका 2022 तक सभी को, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी को घर प्रदान करना है, राइट, इस स्कीम्स के तहत, क्लियर। नेक्स्ट आपका ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड, आप सभी को मालूम है ट्राइबल डे 9th of August को बनाया जाता है, 9 अगस्त को बनाया जाता है। मेरा अगस्त वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, डेज पेज पर सेपरेट वीडियो मैं बनाता हूँ कि 9 अगस्त को आपकी ट्राइबल्स डे एंड 10th अगस्त को लॉयन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जिसको आप शेर दिवस कहते हैं। नेक्स्ट आपका 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता था एग्जाम्स में बट इन्होंने 9th अगस्त का पूछा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 7th का भी आप ध्यान रखिएगा, 10th का भी आप ध्यान रखिएगा कि। और 12th अगस्त को आपको सभी को मालूम है दैट इज द एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस। ओके, वेयर विल द समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन 2024, 2024 में समर ओलंपिक होने हैं, वह कहाँ आयोजित होंगे, तो वह आयोजित किए जाएंगे आपकी पेरिस फ्रांस में, 2024 में समर ओलंपिक आपकी पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे, क्लियर। एक आईपीएल का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आईपीएल का जो एडिशन है वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, कौन सा एडिशन तो साउथ अफ्रीका में किया गया था, माय डियर फ्रेंड्स सेकंड एडिशन था आईपीएल का, राइट, सेकंड एडिशन 2008 में शुरुआत हुई थी आईपीएल की, राइट, फर्स्ट एडिशन था, और 2009 में, अब ईयर पूछा होगा तो ईयर में 2009 होगा, एडिशन्स पूछा होगा तो सेकंड एडिशन्स होगा। अभी आपका 13 एडिशन चल रहा है जो कि दुबई में चल रहा है 2020 का। ओके, लास्ट 12th आईपीएल की आपकी विनर थी मुंबई इंडियंस, याद रखिएगा, क्लियर। दुबई में यूएई में आपके 13 चल रहा है, 2009 में आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
हु इज़ द चेयरमैन ऑफ मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप के चेयरपर्सन कौन है, तो वह है दैट इज द दीपक कालरा, दीपक कालरा एज अ चेयरमैन ऑफ मेक माई ट्रिप। ओके याद रखिएगा, अगर आप अगर आपने ऑप्शन टिक किया दीपक कालरा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके इतने क्वेश्चंस मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, इसमें से लगता हो कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखे थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है इसके अलावा तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, वहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बजट की एक टोटल्स अमाउंट पूछी गई थी, बजट की टोटल्स अमाउंट कितनी है, तो 30 लाख रुपीज़, 30,42,000 रुपीज़ करोड़ रुपीज का टोटल बजट है अपना, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो झांसी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी स्थापित है झांसी, राइट, नाम से ही पता चल रहा है। देवोस कहाँ पर है, देवोस आपके स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में आपके देवोस से, याद रखिएगा। एचआर भारद्वाज, यह भी मैंने ऑबिचुरी में डिस्कशन किया था, देखिए मैं सेपरेट जो टॉपिक बेस पे बनाता हूँ ना, पहला ऑबिचुरीज है, सेकंड आपका अपॉइंटमेंट है, थर्ड आपका बुक बेस पर है, एंड डीज बेस पर क्वेश्चन सारे डीज प्लस थीम उसकी सब मैं बताता हूँ, राइट। तो प्लीज़ जिनने देखा होगा सेपरेट मंथ के सेपरेट वीडियोज उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, राइट। तो वह किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो ये पॉलिटिशियंस थे और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राइट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज लोकेटेड एट कहाँ पर स्थित है, बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वह स्थित था आपकी नागपुर महाराष्ट्र पे। अगर आपने सही आंसर दिया है नागपुर महाराष्ट्र तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके इन विच ईयर राफेल नडाल वन इज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है जो कि कौन से ईयर में राफेल नडाल ने जीता था, 2005 पेरिस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था राफेल नडाल ने, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छे से बनाया था, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करता है जो अभी रिसेंट में होते हैं ना उन्हीं के बेसिस पे याद रखता है, राइट। कल आप सभी को मालूम है एक क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था जो हुरन की लिस्ट है, राइट, टॉप मोस्ट पर जो टॉप थ्री में थ्री पोजिशन पे पूछा था वेल्थ पे बेसिस पे, राइट, थर्ड पोजिशन पे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट याद रखते हैं सेकंड भी याद रखते हैं, तो एग्जामिनर ने खेल खेल दिए हुए आपके सामने थर्ड पोजिशन पूछ लिया है। ओके तो याद रखिएगा क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, पूरी न्यूज को डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके क्लियर, नेक्स्ट देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था आपका राणा प्रताप सागर डैम, तो यह लोकेटेड है आपके राजस्थान में। ओके राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम स्थित है, राइट, जो फेमस है यहाँ के पार्क कभी कभार पूछ लेता है, तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य आपके राजस्थान में, केवलादेव रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क ये आपके राजस्थान में है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप मेरे नो योर स्टेट में राजस्थान सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके विच ऑर्गेनाइजेशन बाउ ब्रो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2020, तो वह है यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, राइट। नेक्स्ट आपका है NCFT यानी कि सी स्टैंड्स फॉर, CFT में सी का नेम पूरा क्या है, जैसे अमृत योजना थी अमृत में आपको इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनाएगा, आर का स्टैंड क्या है, इसी बेसिस पे CFT में सी का है पूरा का पूरा नेम देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, राइट। एक क्वेश्चन था नोबेल प्राइज में फिजिक्स में, फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, एक क्वेश्चन उससे था। और एक क्वेश्चन था आपका हाउ मेनी SPI एसोसिएटेड मर्ज्ड विद SPI यानी कि कितनी एसोसिएट हैं जो मर्ज्ड की गई है SPI के साथ, तो 5 ऐसी एसोसिएट्स हैं SPI की जो मर्ज हुई थी SPI के साथ। कैपिटल्स ऑफ ब्राजील तो बिल्कुल ईजी है, दैट इज द ब्राजीलिया, राइट। सेकंड क्लीनेस्ट सिटी, सबसे क्लीन सिटी, देखिए स्टूडेंट्स को फर्स्ट याद है, जब भी ये न्यूज आई थी तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चीज आपको बताई थी, फर्स्ट आपकी इंदौर थी, सेकंड आपकी सूरत थी, राइट, सूरत। ओके तो इसका आंसर आपका सेकंड में, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी सबसे शार्प एंड स्वच्छ
आपकी सूरत है, राइट, इंदौर है जो 4 times आपका स्वच्छ में गिना जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर इंदौर करके आए क्योंकि क्वेश्चंस देखिए, सॉरी क्वेश्चंस देखिए, पहला ही ऑप्शंस इंदौर डालेगा वो, राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स पहले ही ऑप्शंस पर टिक कर देंगे और आगे कहेंगे सर मेरे तो 49 सही है, 49 अटेम्प्ट करके आया हूँ, राइट, इस टाइप की कमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका फीमा स्टैंड फॉर, इनकी फीमा का फुल नेम क्या है, तो दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, दैट इज द फीमा, क्लियर। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था द वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन अनाउंस्ड अमाउंटेड, इनकी जो फिश का प्रोडक्शन से मछली का उत्पादन है कितनी वैल्यू है, कितना उसका आयतन, कितनी उसका वॉल्यूम है, राइट। तो उसका वॉल्यूम है दैट इज द 177.8 बिलियन मेट्रिक टन्स इन 2019 की बात करें माय डियर एस्पिरेंट्स, तो 177.8 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि एमटी गणना की गई थी, राइट। ओके, तो ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस आपको याद हो सकता है इन क्वेश्चंस में कोई आंसर्स मैंने गलत बता दिया होगा, तो प्लीज़ आप टाइप जरूर कर दीजिएगा। ओके, जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं मेंस की, आईपीएस क्लर्क और पीयू मेंस की, तो प्लीज़ वीडियो के जो पीडीएफ मैंने आपको बताए हैं बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूँगा, क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ तक अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, राइट, अब बात करते हैं अपन कट ऑफ की कितनी रह सकती है। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने अटेम्प्टेड जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट जरूर शेयर किए हैं बट कुछ स्टूडेंट्स शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ अपने अटेम्प्टेड विथ 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% कितनी एक्यूरेसी है आपकी वह बताइएगा, एंड देन इस कैटेगरी कौन सी है और कौन सा आपका स्टेट है यह बताइएगा। देखिए, अभी तक जितना मेरे को पता चला है सेकंड सेट में स्टूडेंट्स के माध्यम से, स्टूडेंट्स इसमें भी आपकी करीबन करीबन 90 से लगभग लगभग 120 अटेम्प्ट कर गए हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 130 प्लस भी अटेम्प्ट किए हैं, बट एवरेज की बात करें तो 190 से 120 तक बीच में ही आपकी इन बिटवीन ही अटेम्प्टेड हुए हैं। ओके, देखिए मैं आपको स्टेट्स इसके बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टेट बेस पर सारी की सारी वैकेंसीज हैं, स्टेट बेस पर अगर जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होगी उतनी ही कम कट ऑफ जाएगी, जितनी कम वैकेंसीज होगी उतनी ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। सपोज कीजिए किसी भी स्टेट में 200 आपकी वैकेंसीज हैं, 200 प्लस भी हो सकती है, 200 करीबन करीबन है, तो उस स्टेट में कट ऑफ का लेवल है वो थोड़ा सा लो रहेगा। सपोज कीजिए जिस किसी स्टेट में 100 ही वैकेंसीज हैं, राइट, तो उसका कट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो सकता है, ज़्यादा जा सकती है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था अपने अटेम्प्टेड विद कैटेगरी और कौन सा स्टेट है प्लीज़ टाइप कीजिएगा। ओके, अभी तक जैसा कि पता चला है कि कितने रह सकती है, तो 90 से 120 अटेम्प्ट किए हैं तो अप्रोक्स आपकी करीबन करीबन आपकी 80 से 110 के इन बिटवीन आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, 80 से 110 के बीच में, राइट, इतनी रहनी चाहिए। बट आप शेयर करना, इसके अकॉर्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल्स में अपन डिस्कशंस करेंगे, 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। प्लस पहले आपको शेयर करना पड़ेगा, राइट, ये कुछ स्टूडेंट्स के व्यूज हैं, कुछ स्टूडेंट्स के वोट हैं, ओपिनियन है, राइट, आप भी शेयर कीजिएगा, मैं 100% उसके ऊपर अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, शेयर से अदर स्टूडेंट्स की हेल्प होती है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ओके, एंड चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें,
ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो ना एग्जाम से रिगार्डिंग, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, जीके से रिगार्डिंग आपको तुरंत मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना अपने मार्क्स इट मीन्स अटेम्प्टेड, कैटेगरी, स्टेट, ये आप सभी कुछ कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, मिलते हैं कट ऑफ की एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, IBPS क्लर्क मेंस RRB के या PO मेंस RRB के, तो प्लीज़ वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा जो मैंने PDF आपको बताया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।